12th, area related to circles. सर्कल से रिलेटेड जितने भी पार्ट है उन सब का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो सर्कल ही है कि आपको एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस आर गिवन है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस मीन्स होता है पेरीमीटर, इस सर्कल का पेरीमीटर कितना है, 2πr। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्टर, सेक्टर अपने सर्कल गिवन है, AB इसकी आर्क है, O इसका सेंटर है, OA इज रेडियस, OB इज रेडियस, सर्कल की इन दोनों रेडियस और इस सर्क्यूमरेंस इस आर्क से इंक्लूडिंग जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं सेक्टर। ये भी आर्क और टू रेडियस का पार्ट है लेकिन ये इससे बड़ा वाला पार्ट है तो इसे कहते हैं मेजर सेक्टर और दिस इज माइनर सेक्टर। तो अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, अगर आपको इसकी रेडियस गिवन है और आर्क लेंथ एल गिवन है तो फर्स्ट आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इस आर्क से लेट चले थे कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा सेंट्रल एंगल, तो इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, अगर आपको आर्क लेंथ एल गिवन है और रेडियस आर गिवन है तब तो 1/2 एल इंटू आर, और एल की जगह अगर आपको थीटा गिवन और आर गिवन है तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये जो एरिया फाइंड हुआ है ये माइनर सेक्टर का, रेडियस आर, अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा है इस एंगल को ले लेता हूं मैं थीटा वन, तो ये मेजर सेक्टर का एंगल हुआ, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा वन अपॉन 360 डिग्री, केवल थीटा की वैल्यू चेंज होगी। जब आप माइनर का फाइंड कर रहे हैं तो माइनर सेक्टर के अंदर जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और जब आप मेजर सेक्टर का फाइंड कर रहे हैं तो उसका थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा वन। नाउ थर्ड पॉइंट, सेगमेंट, किसी भी सर्कल में एनी कोड, ए कोड ए बी इज डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। कोई भी कोड सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करती है और हर पार्ट सेगमेंट होता है। जो स्मॉल वाला पार्ट है
this is minor segment. और जो बड़ा वाला पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, मेजर सेगमेंट। तो देखिए, अगर आपको माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेंटर हो गए, इसको इसे ज्वाइन कर लें, ये रेडियस आर, सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस सेक्टर के एरिया में से और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, तो जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए। पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस सेगमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको सिंपलीफाई करने पे जो एरिया आएगा वो एरिया होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी पार्ट है उन सबका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इन सबके फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट, आपकी जो 12th चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। आपको फर्स्ट सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर गिवन है, सेकंड सर्कल जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है, और एक थर्ड सर्कल जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस का सम इस सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस के इक्वल है। सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, इसकी रेडियस r1 है, तो इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस होगी 2πr1। सेकंड वाले की रेडियस r2 है, तो इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस होगी 2πr2। और इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, लेट कर लेंगे इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस होगी 2πr। तो 2π कॉमन, R1 plus R2 equal to 2πr, 2π से 2π कैंसिल, R1 plus R2 equal to R, वैल्यू पुट कर दें, R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर, R2 की 9 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 28 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है जिसकी सर्क्यूम्फ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस के सम के इक्वल है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, दिस टू सर्कल। तो देखिए, इधर ये फर्स्ट सर्कल जिसकी रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, सेकंड सर्कल जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, और एक सर्कल जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, लेट कर लिया कि इसकी रेडियस आर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के एरिया का सम
इस सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस आर वन है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, इसकी रेडियस आर टू है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर वन की वैल्यू 8, आर टू की वैल्यू 6, दिस इज आर स्क्वायर। 64 प्लस 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 100 का स्क्वायर रूट 10, इसका मतलब उस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक आर्चरी गिवन है, इस आर्चरी में आपको 5 रिंग गिवन है, स्कोरिंग रिंग, गोल्ड कलर की, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है इसका डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी गोल्ड वाले की रेडियस R1, डायमीटर 21 है तो 21 का हाफ 10.5 सेंटीमीटर, और बाकी के जितने भी बेंड है इन बेंड की जो ये गोल्ड से कितना वाइड है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, सभी बेंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड गिवन है। तो अगर मेरे को रेड वाले की रेडियस निकालनी हो ये वाली वैल्यू, तो गोल्ड वाले की 10.5 है और ये वाइट 10.5 है, तो 10.5 एंड 10.5 रेडियस ऑफ रेड वाले पोर्शन की, आर टू 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। इसी तरह रेडियस अगर ब्लू की निकालनी है आर थ्री, तो 21 के अंदर फिर 10.5 ऐड कर दें तो 31.5 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे यहां से यहां तक 21 और यहां से यहां तक 10.5, तो 21 एंड 10.5 ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर R3। सेम ब्लैक वाले पोर्शन की रेडियस फाइंड करें R4, तो 31.5 के अंदर 10.5 ऐड करें तो दिस इज 42 सेंटीमीटर, और लास्ट जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसकी रेडियस फाइंड करें, यहां से यहां तक 42 हो गया, फिर ये 10.5 ऐड करेंगे तो ये पूरी रेडियस हो जाएगी R5, 42 प्लस 10.5 52.5 सेंटीमीटर। इस तरह आप टोटल जो 5 की रिंग है अलग अलग कलर की उन सब की रेडियस फाइंड कर ली। अब आपको इन सभी पोर्शन का सेपरेट एरिया फाइंड करना है, तो फर्स्ट एरिया फाइंड करते हैं गोल्ड वाले पोर्शन का, एरिया ऑफ गोल्ड, पाई गोल्ड वाले पोर्शन की रेडियस है R1, तो पाई R1 स्क्वायर 22/7, R1 की वैल्यू 10.5 × 10.5, इसको सिंपलीफाई करके इसका आंसर लिखना आपको। सेकंड एरिया ऑफ रेड पोर्शन, जब आपको रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो देखिए रेड वाला पोर्शन केवल ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेड वाले पूरे सर्कल में से इस गोल्ड वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, तो रेड वाले की जो रेडियस है वो R2 है और गोल्ड वाले की R1 है, तो एरिया हो जाएगा बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को क्या कर दे माइनस कर दे, तो पाई तो कॉमन आ गया, वैल्यू पुट करें 22/7, R2 की वैल्यू 21 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर। देखिए सिंपलीफाई करने का इजी तरीका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b, a माइनस b, तो इसको सिंपलीफाई करने पर ये 22/7 31.5 × 10.5 जो एरिया फाइंड होगा वो रेड वाले पोर्शन का फाइंड हो जाएगा। Now, अगर आपको ब्लू वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो आपको रेड वाले का माइनस करना पड़ेगा यहां से यहां तक, तो एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन पाई, ब्लू वाले की रेडियस R3 और रेड वाले की रेडियस R2,
इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 22 अपॉन 7 r3 की वैल्यू 31.5 माइनस r2 की वैल्यू 21 से उसी फॉर्मूले से एक बार प्लस एक बार माइनस और इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। सेम आपको ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक वाले की रेडियस r4 है और ब्लू वाले की r3 है, तो पाई r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर 22 अपॉन 7 r4 की वैल्यू 42 r3 की वैल्यू 31.5 एक बार प्लस एक बार माइनस और लास्ट एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट तो पाई व्हाइट वाले का निकालने के लिए ब्लैक वाले तक का माइनस करना पड़ेगा तो पाई r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर 22 अपॉन 7 r5 की वैल्यू 52.5 माइनस 42 का स्क्वायर। सेम उसी टाइप से इसको भी एक बार प्लस एक बार माइनस करके सिंपलीफाई करना है। तो इस तरह से आप 5 रिंग का सेपरेट एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर देन हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 10 मिनट व्हेन स्पीड ऑफ कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। एक कार जिसकी व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस हो जाएगी 80/2 40 सेंटीमीटर। जब ये कार का व्हील वन राउंड कंप्लीट करता है इन वन रेवोल्यूशन, कार व्हील ऑफ कार कंप्लीट डिस्टेंस इज 2πr। जब कार का पहिया एक बार घूमेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके सर्कुम्फ्रेंस के बराबर होगा। सर्कुम्फ्रेंस होती है कार की सर्कल की 2πr, तो 2 × 22/7 और रेडियस की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। नाउ अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूं तो पहले 1000 से इंटू करूंगा तो मीटर हो जाएगा और फिर 100 से इंटू करूंगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वर्ष में 60 से इंटू करूंगा तो मिनट हो जाएगा, तो ये क्या सेंटीमीटर पर मिनट। 0 से 0 कैंसिल 11, तो 11 3 0 इसके 1 0 इसके सेंटीमीटर पर मिनट। टाइम आपको यहाँ पे मिनट में गिवन है इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट किया है। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है 10, तो इस 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है सेंटीमीटर। कार का व्हील एक राउंड में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है और कार टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मिनट के अंदर, तो बताओ कार का जो व्हील है टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं उसके। तो अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो टोटल डिस्टेंस में डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन बाय व्हील, उस व्हील ने वन रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की उसका डिवाइड कर दो, तो ये 11 50 2 × 22/7 × 40 और इसको सिंपलीफाई करें, देखिए 0 से 0 कैंसिल 22/7 ऊपर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7, तो 2 × 22 × 4 11 से कैंसिल 10,000 11 से 2 अब कैंसिल, देखिए 2 से कैंसिल
5000, फिर 2 से कैंसिल, 2500, फिर 4 से कैंसिल, 625, तो 625 इंटू 7 4375 रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक सर्कल का एरिया और सर्कल की सर्कमफेरेंस इक्वल गिवन है, तो बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होती है 2πr। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो गया तो आर इक्वल टू हो गया 2 यूनिट। अगर यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है तो 2 सेंटीमीटर, मीटर में हो तो 2 मीटर, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसकी यूनिट। तो एक तरह से ये एक क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी सर्कल की रेडियस और सर्कमफेरेंस इक्वल है तो उसकी रेडियस हमेशा 2 यूनिट होगी। थैंक यू।